अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मज़हर में हूँ। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी फॉलो कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स हम डेली PSL पॉइंट्स की अपडेट देते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की अपडेट क्या है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल मैच था क्वेटा से, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन कर लिया है। इसके सात मैच इसने विन किए हैं, दो लूज़ हैं, ज़ीरो ड्रा है, 14 इसके पॉइंट हैं और इसका रन रेट है 0.467। दूसरे नंबर पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं, इसके 10 मैच कंप्लीट हो गए हैं, 5 मैच विन किए हैं, 5 लूज़ हैं, 0 ड्रा है, 10 इसके पॉइंट हैं और इसका रन रेट है 0.312। तीसरे नंबर पर जो टीम है वो है कराची किंग्स, इसके 9 मैच इसने प्ले किए हैं, 4 विन हैं, 4 लूज़ हैं, 1 ड्रा है, 9 इसके पॉइंट हैं और इसका रन रेट है -0.118। चौथे नंबर पर जो टीम है वो है मुल्तान सुल्तान, इसके 10 मैच इसने प्ले कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए इसके और 4 मैच इसने विन किए हैं, 5 लूज़ किए हैं, 1 ड्रा है, 9 इसके पॉइंट हैं और इसका रन रेट है -0.191। पांचवें नंबर पर जो टीम है उसने 9 मैच प्ले कर लिए हैं, 4 विन हैं, 5 लूज़ हैं, 0 ड्रा है, 8 इसके पॉइंट हैं और इसका रन रेट है -0.399। छेवें नंबर पर जो टीम है वो है लाहौर कलंदर, इसने 9 मैच प्ले किए हैं, 3 विन हैं, 6 लूज़ हैं, 0 ड्रा है, 6 इसके पॉइंट हैं और इसका रन रेट है -0.908। फ्रेंड्स, काफ़ी टफ कंडीशन ही जा रही हैं, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये तो पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, इस्लामाबाद जो यूनाइटेड हैं वो चली गई हैं फर्स्ट में, ए कैटेगरी में वो पहुंच गई हैं। और ए कैटेगरी कौन सी होती है? ए कैटेगरी होती है जिसमें टीम यानी कि सेमीफाइनल में जाएगी और सेमीफाइनल में हारने के बाद भी उसके पास एक चांस होता है, सेमीफाइनल में हारेगी उसके बाद भी चांस होता है। तो ऐसे इस्लामाबाद यूनाइटेड चली गई हैं एक कैटेगरी में। और दूसरे नंबर पर अभी फ़िलहाल तो क्वेटा ग्लेडिएटर हैं, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर के 100 में से 40% चांस ही हैं कि ये एक कैटेगरी में जाए, क्योंकि अगर कराची किंग ने एक मैच विन कर लिया फिर तो कन्फर्म कराची किंग जाएगी एक कैटेगरी में। और अगर पिशावर ज़ल्मी ने मैच विन कर लिया तो पिशावर ज़ल्मी का रन रेट है 0.399 और क्वेटा ग्लेडिएटर का रन रेट है 0.312। यानी कि अगर पिशावर ज़ल्मी जीतती है तो इसका रन रेट ज़्यादा है, तो ए कैटेगरी में ये चली जाएगी। लेकिन अगर ये पिशावर ज़ल्मी जीते और क्वेटा ग्लेडिएटर के तो 10 मैच पूरे हो गए, अगर पिशावर ज़ल्मी जीत भी जाती है, लेकिन अगर कराची किंग जीत गई तो फिर कराची किंग ही आगे जाएगी उसके, क्योंकि वो पॉइंट 11 पॉइंट हो जाएंगे, फिर कराची किंग ही आगे जाएगी। और अगर पिशावर ज़ल्मी हार जाती है फिर तो किस्सा ही ख़त्म, फिर मुल्तान सुल्तान भी आगे चली जाएंगी और कराची किंग भी आगे चली जाएंगी। कराची किंग हारने के बाद भी आगे चली जाएगी अगर पिशावर ज़ल्मी मैच हार गई तो। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर पिशावर ज़ल्मी मैच जीत गई और कराची किंग मैच हार जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि कराची किंग बाहर हो जाएगी, क्योंकि रन रेट में देख लें, रन रेट में मुल्तान सुल्तान का रन रेट है -0.191 और कराची किंग का है -0.118। अगर मैच हारेगी तो इसका रन रेट मेरे ख़्याल में, मुझे तो, मैं कोई परफेक्ट तो नहीं बता रहा, लेकिन मेरे ख़्याल में अबव कर जाएगी इससे, 191 से ये क्रॉस कर जाएगी और इसका रन रेट नीचे आ जाएगा कराची किंग का। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। बस आज की वीडियो इतनी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको PSL पॉइंट्स की डेली अपडेट चाहिए तो इसके साथ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।